शुक्रवार प्रसिद्ध शैवपीठ केदारनाथ गस्त करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक स्वतंत्र हेलिकॉप्टर जोगे दिन 9 उत्तराखंड भूमि रे पहुंचथिले मोदी। प्रथमे बाबा केदारनाथ को दर्शन करी 130 कोटी मूल्य निर्मित प्रकल्पर उद्घाटन करिसेंती पीएम। देवभूमि रे पहुंचिबा परे तांको उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं उपराज्यपाल लेफ्टनेंट जनरल गुरमीत सिंह स्वागत करथिले। सेठारु प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम अभिमुखे यात्रा करथिले। पीठरे पहुंची प्रधानमंत्री देशर सुरक्षा पाई महारुद्राभिषेक करथिले। एहापरे आदि शंकराचार्यंकर समाधि उद्घाटन करथिले। 2013 वर्षा वित्पातरे केदारनाथ रे व्यापक क्षयक्षति घटिथिला। उक्त स्थान रे पुनः निर्माण सहित सही प्रलय रे क्षतिग्रस्त होइथिबा आदि शंकराचार्य 12 फुट उच्चतार प्रतिमा एवं समाधि को नुआ करी निर्माण करा जाइछि, जहाँ प्रधानमंत्री उन्मोचित करछन्ति। प्रधानमंत्री मोदी कहिछन्ति जे संस्कृत रे शंकरंक अर्थ हेउछि सा कारोति सा शंकरा, अर्थात जे कल्याण करन्ति से हेउछन्ति शंकर। एहा शंकराचार्य प्रमाणित करछन्ति। तांको जीवन जेते असाधारण थिला से साधारण लोकंक कल्याण पई अधिक उत्सर्गीकृत होइथिले बोली कहिछन्ति मोदी। लोकार्पण कार्यक्रम परे उत्तराखंडवासीको संबोधित करथिले प्रधानमंत्री। जय बाबा केदारनाथ कहि मोदी अभिभाषण आरंभ करथिले। एही भूमि महान व्यक्तित्वंकु जन्म देछि, देशकु सुरक्षा देउथिबा सेनांकर एही भूमि, ए भूमिर विकास केबे अटकिबो नाही बोली कहिछन्ति प्रधानमंत्री। मोदी आहुरी कहिछन्ति 2013 केदारनाथ रे होइथिबा क्षतिकु मु बारंबार समीक्षा करिछि। राज्यरे एपरी विपत्ति मते अटकाई पारिनथिला। मु मो कार्यालयरु प्रतिदिन पुनरुद्धार कार्य समीक्षा करथिबा से कहिछन्ति। साथियों, देवभूमि के प्रति असीम श्रद्धा रखते हुए यहां की असीम संभावनाओं पर विश्वास करते हुए आज उत्तराखंड की सरकार यहां विकास के महायज्ञ से जुड़ी है, पूरी ताकत से जुड़ी है। चार धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहां केदारनाथ जी तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यहां पास में हो पवित्र हेमकुंड साहब जी हैं। हेमकुंड साहब जी के दर्शन आसान हो इसके लिए वहां भी रोपवे बनाने की दिशा में काम तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को रेल से भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी कहते थे पहाड़ के लोगों को तो रेल देखना भी दुष्कर होता है, अब रेल पहुंच रही है। दिल्ली देहरादून हाईवे ये बनने के बाद देहरादून से दिल्ली आने वालों के लिए समय और कम हो जाने वाला है। इस सब कामों को उत्तराखंड के पर्यटन को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और मेरे शब्द उत्तराखंड के लोग लिख करके रखे, जिस तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पिछले 100 साल में जितने यात्री यहां आए हैं ना, आने वाले 10 साल में उससे भी ज्यादा आने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं यहां की अर्थव्यवस्था को कितनी बड़ी ताकत मिलने वाली है। 21वीं शताब्दी का यह तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए, मैं पवित्र धरती पर से बोल रहा हूं। हाल के दिनों में हमने सभी ने देखा है कि किस किस तरह चार धाम यात्रा आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। और कोविड न होता तो न जाने ये संख्या कहां से। ब्यूरो रिपोर्ट, सकाळ खबर।